स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज के सेशन में हम IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 यानी कि PO का मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्लर्क के जो हमारे पेपर्स थे जिसमें मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग था, दोनों के दोनों पेपर्स मैंने हमारा एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है चैनल के ऊपर। वो प्लेलिस्ट को आप विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वो दोनों सेशन्स मिल जाएंगे और PO के भी दोनों सेशन्स वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, फिर से मैं कहूँगा आपको कंप्लीट देखना है। क्वेश्चन पे चलने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एक बैच चल रहा है और अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सभी के सभी हम लोग यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये हम लोग कवर करने वाले हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको सभी जो डिटेल्स है वो बता दूंगा कि किस तरीके से बैच को ज्वाइन करना है। एंड एक और चीज़, अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हो, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ लगाना, आप खुद को ना एनालाइज़ कर पाते हो अच्छे से जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो। सो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है जिससे आपको अपनी एक्यूरेसी और अपनी स्पीड का भी पता चलता है और आप ये चीज़ अच्छे से एनालाइज़ कर पाते हो कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज़ लगाना ज़रूरी होता है, बट टेस्ट सीरीज़ आपके एग्ज़ाम की लेवल की हो ना तो वो ज़्यादा बेनिफिट आपको करती है। तो एग्ज़ाम के लेवल की टेस्ट सीरीज़ मैंने आपके लिए तैयार की हुई है। हमारा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक दिया है। बैंक कैटेगरी चूज़ करके यहाँ पर आप RRB के टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो। पहला टेस्ट मैंने आप सभी के लिए फ्री रखा है, तो ये टेस्ट तो आप लोगों को ज़रूर लगाना है और पसंद आए तो बाकी के टेस्ट भी आप लोग अनलॉक कर लीजिएगा। RRB का जो लेवल होता है, मैंने RRB के लेवल के ही क्वेश्चंस वहाँ पे रखे हैं। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि एक एक क्वेश्चन को मैंने खुद से टाइप किया है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हूँ कि RRB का ही लेवल मैंने आपको दिया है। और ज़रूरी है कि अगर आप RRB की तैयारी कर रहे हो तो RRB के लेवल के आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी मिले। ऐसा नहीं है कि आप टफ से लगा रहे हो और उससे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, 40 से ऊपर नंबर ही नहीं आ रहे, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो एक बार टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइएगा, देन आप खुद ही देखिएगा कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे देखिएगा, हम अरिथमेटिक के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे अरिथमेटिक के, आप देखिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5। रेशियो दिया हुआ है, यानी कि रेशियो का चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 4:5। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज 8:9। ए और सी का रेशियो दिया हुआ है 8:9। ए और बी का भी दिया हुआ है एंड ए एंड सी का भी दिया हुआ है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी इज 5 years, देन फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी आफ्टर 11 years। अब देखिए, इस क्वेश्चन को ना हम लोग सीधा का सीधा रेशियो से ही कर देंगे क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को ना ज़्यादा डीपली ज़्यादा लेंथी सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए, ए और बी का आपको प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 4:5 और ए और सी का भी आपको दिया हुआ है 8 और 9, ये चीज़ दिया हुआ है। अब इसको ये इस तरीके से मैंने कैसे लिखा, अब ए और बी का तो रेशियो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ए और सी का अगर आपको लिखना है तो ए के नीचे ए की वैल्यू लिखिएगा, सी के नीचे सी की वैल्यू लिखिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल इसको रेशियो में चेंज करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे कॉमन पार्ट ढूंढो। तो कॉमन पार्ट आपको क्या मिला, ए। कॉमन पार्ट इन द सेंस कि जो फर्स्ट वाले रो में भी है और सेकंड वाले रो में भी है, इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो उसको, यानी कि दोनों रेशियो में वो वाला पार्ट होना चाहिए। तो ए हमारा यहाँ पे कॉमन आया, तो अब क्या करना है, ए को इक्वल करना है। या तो आप सेकंड वाले को हाफ कर लो या फिर फर्स्ट वाले को डबल कर लो। तो मैं तो ये कहूँगा कि फर्स्ट वाले को डबल करो, क्योंकि अगर इसको आप हाफ करोगे तो ये 9 आपको पॉइंट्स में जाएगा और फिर आपका रेशियो जो है ना आपको फिर से मल्टीप्लाई करके इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इतना सब काम क्यों करना, सिंपल इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना देगा आपको, 8। ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 और ये हो जाएगा सिंपल 9। यानी कि आपका एज का जो तीनों का रेशियो है वो कितना आया, 8:10:9। इतना सिंपल आ गया। ये सब चीज़ें मैंने बैच में भी बहुत अच्छे तरीके से करवाई हुई है, यहाँ पे तो खैर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ये। तो 8:10:9 है। अब आपको क्या दिया हुआ है, ए और सी की एज का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 5 साल। अच्छा, एक्चुअल में 5 साल का डिफरेंस है, यूनिट्स में कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास में आ गई है कितना, 5 साल। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है कितना, 5 साल। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 40 साल। यानी कि ए की एज मेरे पास में आ चुकी है कितना, 40। बी की एज आ चुकी है कितना, 50। सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करना है इनको और कुछ भी नहीं करना बस। सी की एज आ चुकी है कितना, 45। तीनों को ऐड करो, देखिए 40 + 50 = 90, 90 + 45 = 135। तो कितना हो जाएगा, तीनों की एज का सम 135।
लेकिन इसने क्या पूछा है कि तीनों की एज का सम तो बताओ लेकिन 11 साल के बाद में बताओ। तो अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे 11 इसमें ऐड कर देंगे, 146 आंसर करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही आपको 146 मिलेगा। ध्यान से समझना, अगर 11 साल के बाद की बात हो रही है ना, तो ए भी 11 साल का उसमें इंक्रीमेंट हुआ होगा उसकी एज में, बी भी 11 साल बड़ा हो गया होगा, एंड सी की भी एज में 11 साल का इंक्रीमेंट हुआ होगा। यानी कि टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है ना तीनों में, वो 33 ईयर्स का हुआ है। समझ गए आप, इसको मैंने अच्छे से समझा दिया। यानी कि टोटल जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा आपका। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। रेशियो से ही हमने इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और कॉन्सेप्ट अगर अच्छे नहीं है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। देखिए लिखा हुआ है, शॉपकीपर गेव 10% डिस्काउंट ऑन MP। शॉपकीपर ने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे ऑफ एन आर्टिकल, दस अर्निंग एम प्रॉफिट ऑफ 400, और उसको 400 रुपये का प्रॉफिट अर्न हुआ है। कितने का प्रॉफिट अर्न हुआ, 400 रुपये का। हैड ही सोल्ड द आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट, अगर उसने 20% डिस्काउंट पे इसको सेल किया होता तो उसको 330 रुपये का प्रॉफिट होता। वट वॉज दी MP ऑफ द आर्टिकल, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क प्राइस बताना है कि उस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना था। अब देखिए दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, या तो आप बेसिक तरीके से करने जाओ। बेसिक तरीका क्या होता है कि आपने मान लिया कि मार्क प्राइस जो है ना मेरा 100 है, 100x मान लो, या 100 यूनिट मैंने मान लिया कि मेरा मार्क प्राइस क्या है, 100 यूनिट है। उसमें 10% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 90 यूनिट्स। क्योंकि आपका अगर मार्क प्राइस 100 है, 10% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो सेलिंग प्राइस 90 यूनिट हो गया। और ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इस पे आपको 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर इस वैल्यू में से 90 यूनिट्स में से मैं 400 रुपये माइनस कर दूँ ना, तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, भाई सेलिंग प्राइस मेरा 90 यूनिट्स है, इसमें से मैं इसमें मुझे 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कहाँ से होता है, कॉस्ट प्राइस है। तो इसमें से आप 400 माइनस कर दोगे तो 90 यूनिट माइनस 400, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। देन इसी तरीके से यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, वैल्यू आ जाएगी, दोनों को इक्वल रखोगे, इस यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, देन आप इस यूनिट को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो भी मार्क प्राइस होगा वो। लेकिन ध्यान से समझिए, दोनों कंडीशन पे मार्क प्राइस इक्वल दी हुई है। यहाँ पे दोनों कंडीशन पे क्या है, मार्क प्राइस इक्वल है। जो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, जो आपको छूट दी हुई है, डिस्काउंट दिया हुआ है, वो पहले वाली कंडीशन पे 10% है, सेकंड वाली कंडीशन पे कितना है, 20% है। यानी कि दोनों डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वो 10% के इक्वल है, और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उनका डिफरेंस है 70 का। देख पा रहे हो आप, 400 और 330, ये कितना हो जाएगा, 70 का डिफरेंस हो गया। तो 10% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 70 के इक्वल हो जाएगी, और 100% की किसके इक्वल हो गई है, 700 के इक्वल। यानी कि आपका मार्क प्राइस कितना था, 700 रुपीज़। सिंपल कॉन्सेप्ट, अच्छे हैं तो आप लोग इजीली बना सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बहुत अच्छा तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को ना कम टाइम पे कर पाओगे, नहीं तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। देखिए मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि कभी भी आप तैयारी कर रहे हो तो पहले आप ना कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करो, देन उसके बाद में आप अपनी एक्यूरेसी को अच्छा किया करो, देन उसके बाद में आप अपनी स्पीड को अच्छा किया करो। ये तरीका होता है किसी भी टॉपिक को कवर करने का। चलिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ टैंक हैज़ 3 इनलेट, एक टैंक में 3 इनलेट्स हैं ए बी और सी, जो कि उसमें पानी फिल कर रहे हैं। ए एंड बी टुगेदर फिल हाफ ऑफ द टैंक इन द सेम टाइम दैट सी अलोन टेक्स टू फिल 1/4 ऑफ द टैंक। ए और बी मिलकर जितना फिल करते हैं, कितना फिल करते हैं, 1/2 फिल करते हैं, और इसको लेने में जितना वो टाइम लगाते हैं, उतना ही टाइम पे सी जो है ना वो 1/4 फिल कर देता है। उतने ही टाइम पे क्या करता है, सी जो है ना वो 1/4 फिल कर देता है। यानी कि दोनों का टाइम पीरियड इक्वल है, ए और बी मिलकर हाफ फिल करते हैं और सी अकेला 1/4 कर देता है। यानी कि आपके पास में टाइम दोनों का इक्वल है, तो आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हो कि भाई ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, ए और बी मिलकर कितना करते हैं, 1/2 करते हैं, सी अकेला कितना करता है, 1/4 करता है। तो टाइम का तो रेशियो निकाल सकते हो ना, क्योंकि ये टाइम की वैल्यू आपको दी हुई है, टाइम से रिलेट किया हुआ है कि ए और बी उतने ही टाइम पे 1/2 फिल करेंगे जितना सी 1/4 फिल करता है। तो आपका रेशियो क्या बनेगा, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। देखिएगा सी को आप यहाँ पे रख सकते हो, इज इक्वल टू में 1/4 यहाँ पे था, और यहाँ पे जो 1/2 था वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा। तो ये कितना आपका बचेगा, 1/2 बचेगा। लेकिन अगर आपको ध्यान है तो टाइम और आपका जो एफिशिएंसी होता है उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। टाइम को अगर आप ज़्यादा करोगे ना तो आपका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा, और अगर आप एफिशिएंसी को ज़्यादा करते हो तो आपका टाइम कम हो जाएगा। यानी कि टाइम का रिलेशन तो आपके पास में आ गया, अगर आपको एफिशिएंसी का चाहिए तो इस रेशियो को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि उल्टा करना पड़ेगा।
तो ये 1/2 जो लिखा हुआ है ये चेंज होके किस में हो जाएगा, ये चेंज होके 2/1 में हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा एफिशिएंसी। अभी तक जो टाइम था उसका रेशियो कितना आया था 1/2 और एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि ए और बी मिलकर कितना करते हैं दो यूनिट करते हैं, सी अकेला कितना करता है एक यूनिट करता है। अब ध्यान से समझिएगा, आपके पास में एफिशिएंसी आ गई है कितना कितना यूनिट ये वर्क कर रहे हैं, तीनों मिलकर उस टैंक को 8 घंटे में भर देते हैं, ये चीज़ लिखी हुई है। इफ़ 3 ऑफ देम टुगेदर कैन फिल द टैंक कम्प्लीटली इन 8 आवर्स, तो देखिए ए और बी ने मिलकर कितना काम किया 2 यूनिट, सी ने कितना काम किया 1 यूनिट, टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम हुआ 3 यूनिट्स का, कितने देर में कंप्लीट कर देते हैं 8 घंटे में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 24 यूनिट का। सिंपल है, समझ गए आप टोटल काम करने कैसे निकाला। अब आपको ये बताना है कि व्हाट वाज द टाइम इन आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द एम्प्टी टैंक, तो सी जो है ना वो अकेला कितने देर में फिल कर देगा, तो सी कितना करता है 1 यूनिट करता है 1 घंटे में, तो 24 को करने में कितना टाइम लगाएगा 24 आवर। सिंपल, समझ गए आप। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे ना देखो तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन में नहीं फंसोगे और क्वेश्चन को जल्दी ही सॉल्व कर लोगे और टाइम भी नहीं लगाओगे छोटे छोटे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट पे बेस्ड है, इसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, देखिए अभी तक मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवा दिए और सभी में आपको ये पता चल गया होगा कि कॉन्सेप्ट कितने ज़रूरी होते हैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे पहले ज़्यादा फोकस करना है, वो अगर आप सीख गए देन टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लिखा हुआ है आशा इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स सी रिसीव्ड 36,000। आशा ने क्या किया, 10% पर एनम पे कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और सिंपल इंटरेस्ट पे, 10% रेट थी उसकी सिंपल इंटरेस्ट पे, 2 साल के बाद में टोटल उसको कितना पैसा मिला 36,000, यानी कि टोटल अमाउंट कितना मिला 36,000 रुपये। अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होती है आपका प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इस 36,000 में प्रिंसिपल भी है और जो 2 साल में इंटरेस्ट मिला है वो भी है। तो अगर हमें प्रिंसिपल यहाँ से फाइंड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, पहले क्वेश्चन को अगर रीड करते हैं, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, इफ़ शी हैड इन्वेस्टेड दिस अमाउंट एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर उसने इस अमाउंट को 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पे निवेश किया होता, हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी हैव अर्न ऑन दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स, उसको कितना मिला होता इंटरेस्ट 2 साल के अंत में। अब अगर इस प्रिंसिपल को कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करना है तो आपको इस प्रिंसिपल पता होना ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल कैसे पता करेंगे, हम देखेगा सिंपल इंटरेस्ट पे रेट कितना है 10% और ये कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा 20%, इतना ही तो मिला आपको। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, चेंज नहीं होता है, यानी कि 2 साल में आपको 20% का इंटरेस्ट मिला, यानी कि अच्छा जो प्रिंसिपल था ना उसका 20% आपको मिला होगा और उस 20% उसका 20% निकाल के आपने इसके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया होगा तो आपके पास में टोटल अमाउंट आ गया होगा, यही तो हुआ है। यानी कि इस प्रिंसिपल का मैं डायरेक्ट 120% निकाल सकता हूँ। सिंपल है, इस प्रिंसिपल का मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट 120% निकाल सकता हूँ क्योंकि जो प्रिंसिपल था उसके ऊपर मुझे टोटल 20% का प्रॉफिट हुआ है। ये चीज़ आप समझ सकते हो, इंटरेस्ट मिला है यानी कि प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल 20% का प्रॉफिट हुआ यानी कि 20% निकालो, 20 उसमें ऐड कर दो फिर उसको, या फिर डायरेक्ट 120% निकाल दो। तो ये मैंने डायरेक्ट 120% निकाला और 36,000 के इक्वल आ गया, तो आप इसको देख पाओगे तो 12 से ये डायरेक्ट 3 टाइम्स कट जाएगा यानी कि 30,000 रुपये। तो प्रिंसिपल आ गया आपके पास में कितना, 30,000 रुपये। समझ गए, आई होप कि क्वेश्चन आपने इजिली पिक कर लिया होगा। 30,000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ चुका है। अगर इस 30,000 को 20% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है ना, तो 2 साल के एंड में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आपको सिर्फ इंटरेस्ट बताना है। तो देखिएगा 30,000 को किस तरीके से आप लोग ब्रेक करोगे, मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हमारे बैच में मैंने करना सिखाया है, और आप अगर आप बैच के स्टूडेंट हो तब तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए यहाँ पे कि किस तरीके से इसको किया जाता है। 2 साल के लिए किया जाता है तो मैं 2 पार्ट कर लेता हूँ। पहले साल 20% आपको मिलेगा टोटल, दूसरे साल आपको 20% मिलेगा टोटल, इस 20 का भी 20% मिलेगा भाई, पहले वाला जो 20 है ना इसका भी 20% मिलता है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये कितना हो जाएगा 4%, यानी कि टोटल कितना हो गया 44%, टोटल कितना हो गया 44%, 44% आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के एंड में 30,000 पे। तो 30,000 का 44% आप निकाल दीजिए बस, क्योंकि आपसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है। तो अगर आपको 44% निकालना है तो 2 जीरो हटाओ, इस 300 को मल्टीप्लाई कर दो 44 से, बस सिंपल।
300 मल्टीप्लाई बाय 44, सिंपल आपको करना है। देखिए 3 से आप डायरेक्ट करोगे तो 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा कैरी 1, और ये 13, और 2 जीरो लगा तो 13,200 रुपये आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि हमें पहले प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका टाइम एंड वर्क से है और बढ़िया क्वेश्चन है। 18 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, 18 वुमेन एक काम को 16 दिन में कर सकती है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर एक्स डेज 6 वुमेन लेफ्ट द वर्क। साथ में तो काम करना स्टार्ट किया लेकिन एक्स दिनों के बाद में 6 महिलाओं ने, 6 वुमेन ने काम को छोड़ दिया, तो रिमेनिंग जो वर्क था इज कम्प्लीटेड बाय 12 वुमेन इन 12 डेज। बचे हुए 12 जो काम था वो 12 महिलाओं ने 12 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या थी। सिंपल सिर्फ इतना करना है आपको। सॉरी थोड़ा सा साउंड आया था पीछे। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, दिखने में आपको थोड़ा सा खतरनाक दिख सकता है, थोड़ा सा लगेगा कि टाइम टेकिंग है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। टाइम एंड वर्क जब हम कर रहे थे तो मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है इसमें टोटल वर्क का, और आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए अगर 18 वुमेन है और वो 16 डेज तक काम करती हैं तो आपका टोटल वर्क हो गया ही। टोटल वर्क कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई बाय टेकन डेज, यानी कि टोटल एम्प्लॉयज जो है उन्होंने जितना टाइम लिया है उसको करने में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अच्छा, इस टोटल वर्क को आप इक्वल रख सकते हो ये जो 12 वुमेन ने किया है 12 दिन में और 18 वुमेन ने किया है एक्स दिन में, क्योंकि काम तो कंप्लीट हुआ है ना। तो 18 वुमेन ने एक्स दिन तक काम को किया था, यानी कि इन्होंने इतना काम कर दिया, और जो बचा हुआ काम था, बचा हुआ जो काम था वो 12 वुमेन ने 12 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो ये आपका टोटल कंप्लीट काम हो गया, और ये भी जरा आपका टोटल कंप्लीट काम था। बस इस इक्वेशन में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब 18 into 16, देखिए 18 into 16 आपको करना है, तो आप क्या करो 16 का स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर करोगे 256 हो जाता है, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 हो जाता है, तो 256 और 32 कितना हो जाता है 288, यानी कि 288। इस तरीके से आप सिंपली कर सकते हो। ये एज इट इज़ 18x बच जाएगा, और ये कितना हो गया 144 हो गया, 144 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 144 ही बचेगा क्योंकि इसका हाफ होता ही है, तो ये 144 आपका बच गया 18x, और 8 8 64, यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगी 8 आ गई, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो कितने दिन तक उन्होंने काम किया, 8 दिन तक उन्होंने काम को किया था। सिंपल है, आप समझ गए, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये कुछ यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हालांकि बिल्कुल मन नहीं था इन क्वेश्चन को लिखने का क्योंकि बिल्कुल दम नहीं आ रहा इन क्वेश्चन में। आप एक बार ट्राई करो खुद से, और ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप विदाउट पेन और पेपर भी सॉल्व कर सकते हो इनको। देखो 7 into 4 करना है कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 4 into 5 करना है कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, दोनों को ऐड किया 48 + 12 = 60 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7 है, ये 6 है, ये आपका 18 है, ये +33 आपको देगा, इसको किया 3, इसको किया 21, 21 और 33 54 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। तो देख पा रहे हो, यानी कि अप्रोक्सीमेशन से आसान तो कुछ होगा ही नहीं आपके पेपर में, और PO का पेपर है तो भी अप्रोक्सीमेशन इतना ही आसान आपको मिलेगा। अभी देखिए 13 हो गया और ये आपका 6 हो गया, 13 into 6 कितना हो जाता है 78, भाई 13 6 कितना 78, और ये 7 हो गया और ये कितना हो गया, ये आपका 9 का स्क्वायर यानी कि 81 हो गया। अच्छा मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये समझ में तो आ रहा है ना आपको, इस 12.99 को मैंने 13 को लिख दिया क्योंकि 13 के नियरेस्ट था, 5.99 6 के नियरेस्ट है तो मैंने इसको 6 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ था 7 into 81, तो आप इसको करोगे 7 7 8 56, यानी कि 5 6 7, इसमें 78 को आपको ऐड कर देना, तो 78। अगर आप देखोगे 7 और 8 15 5, 3 ऑप्शन है 5 वाले, यानी कि यहाँ से नहीं पहुँच पाओगे, तो आपने लिखा 5 7 + 3 कितना हो जाएगा 7 + 6 कितना हो जाएगा 13 13 + 1 14, 4 गया यहाँ पे, तो ये 645 आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि और किसी में 4 है ही नहीं। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिस रखनी है। अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान आने वाला है। DI को सॉल्व करते हैं हम लोग क्योंकि DI बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे हम लोग DI को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा DI है, और PO में आपको इस लेवल का DI ज़रूर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाएगा यार एग्जामिनर, PO का एग्ज़ाम है तो वो आपको 70+, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या बहुत ज़्यादा चीज़ आप सीख लोगे ना तभी जाने देगा, नहीं तो वो 70+ नहीं जाने देगा आपको। और उसके लिए आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, अगर 70 तक या 70 से ज़्यादा पहुँचना है तो प्रैक्टिस को रोकना नहीं है बिल्कुल भी। तो एक टेबल यहाँ पे आपको दी हुई है, उसमें कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं, कॉलेज ABCD, और उनमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिसमें मेल और फीमेल है, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में लिखा हुआ है,
और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विद वर्क एक्सपीरियंस, वो स्टूडेंट जिनको एक्सपीरियंस भी है वो इस वाले सेक्शन में लिखे हुआ है यहाँ पे, दोनों का मिला के मेल और फीमेल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद वर्क एक्सपीरियंस प्लस नंबर ऑफ फ्रेशर स्टूडेंट। तो ये तो आपके एक्सपीरियंस वाले हो गए 96, भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मान लीजिए मैं आपको ए के लिए समझा देता हूँ एक बार, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 240, तो ये 240 स्टूडेंट किसके इक्वल होंगे भाई, एक्सपीरियंस वाले कितने हैं 96, तो फ्रेशर वाले कितने होंगे, फ्रेशर वाले इसमें x होंगे मैंने मान लिया, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 96 इसमें से माइनस करोगे तो 100 करो 140 और 4 करो 144, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 इस तरीके से, यानी कि फ्रेशर्स आपको निकालने पड़ेंगे, सिंपल सी चीज़ है। वर्क एक्सपीरियंस वाले आपके पास में दिए हुए हैं, टोटल आपके पास में दिए हुए हैं, तो आप निकाल सकते हो इजीली, कोई किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल हु आर फ्रेशर इन कॉलेज ए। कॉलेज ए में जो फ्रेशर है मेल और फीमेल दोनों, चलिएगा कॉलेज ए की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेशर अगर मुझे निकालने हैं तो टोटल मेरे पास में 240 है, 96 ऐसे हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है, तो 96 मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, अभी मैंने निकाला था 144 आ जाएगा मेरे पास में फ्रेशर्स किस में, ए में, दोनों मेल और फीमेल मिला के। तो डिफरेंस आपको चाहिए और एवरेज आपको चाहिए किसका, मेल और फीमेल हु आर फ्रेशर इन कॉलेज ए एंड सी टुगेदर। तो आप फ्रेशर सी का भी निकालो, आप ए का निकाला सी का भी निकालो, 320 टोटल है, 160 वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं तो 160 हो गए, तो रिमेनिंग कितने 160 ये आपके फ्रेशर हो जाएंगे। भाई टोटल 320 हैं, 160 यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले हैं, तो बचे हुए 160 क्या होंगे, विदाउट एक्सपीरियंस यानी ये फ्रेशर होंगे। दोनों को ऐड करना है आपको, और दोनों को ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालोगे, 144 प्लस 160 आपको लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आप दोनों का अलग अलग करके डिवाइड कर दो, 72 प्लस 80 ये कितना हो जाएगा, 8 और 7 15 152 152, यानी कि ए और सी में जो फ्रेशर्स थे ना उनका एवरेज आ गया 152, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब आपको क्या चाहिए, इसको मैं एक बार साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, देन आपको चाहिए एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस। इस बार आपको वर्क एक्सपीरियंस वाले चाहिए बी और डी में एक साथ, तो बी और डी में एक साथ चाहिए, तो B मेरा यहाँ पे है और D मेरा यहाँ पे है, और वर्क एक्सपीरियंस वाले चाहिए तो सिंपल इनको ऐड करना है, तो 160 प्लस 80 कितना 240 और 6 कितना हो जाएगा 246, 246 ही आ गया। आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है, बस क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, तो 246 में से 152 को आप माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, और ये कितना 13 और ये 8 हो जाएगा, यानी कि 84 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल है, दोनों का डिफरेंस आपको चाहिए था, एवरेज आपने निकाल दी, एक सेकेंड थोड़ी सी मिस्टेक हम कर गए यहाँ पे, एवरेज निकालना था ना, इसका हमने एवरेज नहीं निकाला, 84 और 162 तो ये कितना हो जाएगा 42 और ये कितना हो जाएगा 81, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 40 प्लस 80 कितना हो जाता है 120 और ये 123 हो जाएगा, क्लियर, तो ये 152 और 123। अब आप इसका डिफरेंस निकालो, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 देगा आपको और ये आपको देगा 2 देगा 29। छोटा सा गलती हो गया था ना, देखिए हमने एवरेज निकालना भूल गए थे, तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी। हालांकि जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मुझे फील हो रहा था कि शायद कुछ ना कुछ गलती की है, तो फिर मैंने फिर से चेक किया तो एवरेज था, तो मैंने पिक कर लिया इस चीज़ को, बट गलती करने से बचिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर आएगा 29, क्योंकि 153 में से एंड आपको क्या करना है, 152 में से 123 को आपको माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 29 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ नंबर ऑफ मेल फ्रेशर इन ए इज 70, जो फ्रेशर है ना वो कितने हैं 70 हैं। अच्छा फ्रेशर थे कितना टोटल 144, अभी हमने निकाला था, इसमें 70 मेल है तो रिमेनिंग 74 क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी, सिंपल है। एंड नंबर ऑफ मेल वर्क एक्सपीरियंस इन सेम कॉलेज इज 48, और जो नंबर ऑफ मेल हैं, अच्छा यहाँ से मेरे पास में आ गए, ए में मैं लिख सकता हूँ जो फ्रेशर हैं वो 70 हैं, ये इतना आ गया मेरे पास में, और ए में ही वर्क एक्सपीरियंस वाले जो मेल हैं वो 48 हैं, ए में ही 48 कौन हो गए हैं, वर्क एक्सपीरियंस वाले, वर्क एक्सपीरियंस, ऊपर मैंने फ्रेशर लिखे हैं, नीचे मैंने वर्क एक्सपीरियंस लिखे हैं 48। अब लिखा हुआ है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल वर्क एक्सपीरियंस प्लस फ्रेशर इन कॉलेज ए। अच्छा टोटल नंबर ऑफ फीमेल आपको बतानी है टोटल दोनों में मिला के, तो यहाँ पर तो देखो 70 था तो 74 बचेगा फ्रेशर में, और ये 48 है, ये टोटल 96 है, तो 48 यहाँ पे बचेगा, सिंपल है। आपको बस इनको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, 4 और 8 12 और 7 और 4 11 और 1 12 यानी कि 122, ये कितना हो जाएगा 122, तो टोटल फीमेल कितनी हो जाएंगी आपके यहाँ पे 122 हो जाएंगी,
जिसमें 74 तो फ्रेशर्स हैं, 74 क्या है फ्रेशर है, और 48 क्या है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस वाली है, तो टोटल कितना हो गया 122। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलिए दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए, ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व जरूर करना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सीरीज का, और सीरीज कौन सी थी, मिसिंग नंबर सीरीज। और आप देख पा रहे हो कि बहुत ही आसान सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, और ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। हम लोगों ने सीरीज़ को देखा, सीरीज़ को देख के क्या पिक कर पाए, एक बार इंक्रीज़ हो रही है, एक बार डिक्रीज़ हो रही है, एक बार इंक्रीज़ हो रही है देन यहाँ पे हो सकता है डिक्रीज़ हो, देन उसके बाद में इंक्रीज़ हो। तो अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ इस तरीके से होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑल्टरनेटिव नंबर्स को चेक करेंगे। जैसे 66 लिखा हुआ है, इसका रिलेशन हम लोग देखेंगे इस 70 के साथ में इस तरीके से, और ये जो 79 लिखा हुआ है इसका रिलेशन हम लोग देखेंगे 75 के साथ में। अगर अल्टरनेटिव तरीके से आप चेक करने जा रहे हो तो पहले ये चीज़ देखेगा कि सीरीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही है क्या। ये तो एक तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो अगर आप देख पा रहे हो तो 66 से 70 हुआ प्लस 4 हुआ, 75 से 79 हुआ प्लस 4 हुआ, यानी कि वर्क कर रहा है ये। तो 70 से अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ तो प्लस 4 मुझे करना पड़ेगा, तो 74 हो जाएगा, सिंपल है। और अगर 79 से 83 पे मुझे जाना है तो प्लस 4 करना है, यानी कि कंप्लीट सीरीज़ प्लस 4 पे चल रही है, तो 70 से अगर मुझे आगे जाना है तो 74, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, और नंबर सीरीज़ में मैं यही कहूँगा कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस कुछ 6 से 7 पैटर्न होते हैं, वो अगर आपने अच्छे से सीख लिए देन उसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। सीरीज़ को देखिएगा, स्टार्ट हो रही 3.5 से, एंड हो रही है 2520, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन को पहले चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अगर वर्क नहीं करेगा तो मल्टीप्लिकेशन के साथ में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के साथ में सब्ट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन के साथ में डिवाइड भी चेक करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, तो मुझे यहाँ पे सबसे ईजिली ये नज़र आ रहा है कि ये 4 टाइम है, देखते पता लग गया मुझे 4 टाइम है। तो अगला वाला नंबर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यही आएगा कि शायद 5 टाइम हो, और मैंने चेक किया तो मुझे 5 टाइम ही मिला, क्योंकि 80 को अगर आप 5 से करोगे तो 400, 4 को 5 से करोगे तो 20, तो टोटल कितना 420। नेक्स्ट नंबर मुझे 6 टाइम नज़र आ रहा है, क्योंकि 400 को 6 से करोगे तो कितना 2400, और 120 ऐड करोगे तो 2520, यानी कि पिछले वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो 27 किस नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से कि 27 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, क्लियर है। और उससे पहले वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3.5 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 आ जाएगा, 7 को 3 से करना है 21 आ जाएगा, 21 को 4 से करना है आपका 84 आ जाएगा, सिंपल है। यानी कि 7 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ, इनको पहले आप खुद से ट्राई किया करो, देन उसके बाद में आप इनका सॉल्यूशन मैच किया करो। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है आपको, पहले तो डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़, फिर इंक्रीज़। ऑल्टरनेटिव के लिए क्या होता है, प्लस माइनस इस तरीके से, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। अब 7 से स्टार्ट हो रही है, 393 तक ही पहुँच रही है, 393 तक पहुँच रही है, तो मल्टीप्लिकेशन लग सकता है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि 4.5 से 5.5 में नहीं बना सकता। सो अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नज़र नहीं आ रहा, तो शायद इस मल्टीप्लिकेशन के साथ में डिवाइड यूज़ हो, शायद प्लस यूज़ हो, या शायद सब्ट्रैक्शन यूज़ हो, चेक करते हैं। अगर मैं 7 से 4.5 पे जाता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 7 को 0.5 से, तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। 3.5 में अगर मैं ऐड कर दूँ 1, देखिएगा 3.5 में मैं क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा 1, तो 4.5 बन जाता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साथ में डिवाइड एडिशन मेरा यहाँ पर काम कर रहा है। अगर मैं 4.5 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से और प्लस कर दूँ 1, तो 5.5 आ जाता है, यहाँ पर भी वर्क कर गया। अगर मैं 5.5 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, प्लस कर दूँ 1, तो 12 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 11 + 1 = 12, ये भी आ रहा है। अच्छा, पैटर्न समझ में आ गया, 0.5 इसका डबल 1, इसका डबल 2, 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर को, यानी कि 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 करना है, ये आपको 49 देगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, और ये जो 3 क्वेश्चन थे ना, ये बहुत बेहतरीन वाले 3 क्वेश्चन थे उस शिफ्ट के, वो जो 2 क्वेश्चन बचे हुए थे वो तो इससे भी आसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिएगा इन क्वेश्चन को हम लोग कितने कम समय में सॉल्व कर जाएंगे। सबसे पहले साइन कंपैरिजन, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग पहले साइन कंपैरिजन देखेंगे, अगर साइन कंपैरिजन से नहीं होता है देन हम लोग फैक्टर्स पे जाएंगे। तो साइन कंपैरिजन अगर करें तो दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव, यानी दोनों के जो फैक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव हमें देंगे, यानी कि साइन कंपैरिजन से क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड करो, तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया कितना 90 हो जाएगा, 90 के दो फैक्टर्स मैं करूँगा कितना 10 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ हमें और सिखाई जाती है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है ना उससे इसको डिवाइड भी कर दो, क्लियर है। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा आपको कि अगर दोनों में सेम कॉफिशियंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर के साथ में भी 2 लिखा हुआ है, तो इसके कॉफिशियंट को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों ज़रूरत नहीं है एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा सेकंड वाले की मैं यहाँ पे एक बार फैक्टर्स लिखता हूँ, ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 का मतलब 8 और 7, सिंपल है, दोनों को आप ऐड करोगे तो 15 भी आपको देगा और ये टोटल 56 भी आपको दे देगा। ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस वैल्यू को आप डायरेक्ट कंपेयर करो या इन सभी को आप 2 से डिवाइड कर दो, कुछ फ़र्क पड़ेगा इनमें? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस 10 को आप 8 से यहाँ पे कंपेयर करो या फिर इस 5 को 4 से कंपेयर करो, दोनों टाइम पे यही बड़ा होने वाला है। यानी कि अगर सेम वैल्यू लिखी हुई है ना तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी हैबिट में है डिवाइड करना तो आप हैबिट में रख सकते हो, क्योंकि कई बार होगा ये कि कई बार 2 की जगह पे 3 आ जाएगा तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो फिर आपके साथ में, उस टाइम आपको डिवाइड करना ज़रूरी है। तो अभी ज़रूरी नहीं है तो मैं कर नहीं रहा हूँ। दोनों कंडीशन पे आप देख पाओगे कि x इज़ ग्रेटर देन y है, इसको कंपेयर करोगे x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y एंड x इज़ ग्रेटर देन y, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन दोनों पॉजिटिव लिखे हुए हैं, इसका मतलब आपके जो फैक्टर्स होंगे वो दोनों क्या देंगे आपको, नेगेटिव देंगे, यानी कि साइन कंपैरिजन से तो फिर नहीं हो पाया। सो इस 2 को आप मल्टीप्लाई करो 18 से, 36 आपको देगा, आपको फैक्टर्स करने 13 लाना है, यानी कि 9 और 4, तो 9 और 4 आ गया। देन उसके बाद में 2 2 ज़ा 4 करना है तो 5 लेके आना है, तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, ये आपके फैक्टर्स हो गए। दोनों तरफ 2 लिखा हुआ है, डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप डिवाइड मत करो, आप डायरेक्ट कंपेयर करो। डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो ये तो एक कंडीशन पे देखो इक्वली नज़र आ गया, यानी कि इक्वल तो होने वाला है ये। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, y इज़ ग्रेटर देन x, आपको क्या नज़र आ रहा है, y इज़ ग्रेटर देन x, और इस वाली कंडीशन पे आपको इक्वल नज़र आ रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन आपके पास में बन गई है। इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे तब भी आपका y इज़ ग्रेटर देन x आएगा, क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो y इज़ ग्रेटर देन x, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप लोगों के डाउट बहुत ज़्यादा आते हैं इस क्वेश्चन पे कि सर पता ही नहीं चलता कि कब तो प्लस माइनस लिखना है कब प्लस प्लस लिखना है। हज़ारों बार मैंने जो वीडियोज़ बनाई है ना, बहुत बार मैंने आपको समझाया है कि ये जो x स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तब आपके यहाँ पे फैक्टर्स क्या होंगे, और अगर लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू रूट 16 तब आपके फैक्टर्स क्या होंगे। कॉन्सेप्ट से समझाया हुआ बेसिक से, लेकिन सर बेसिक हमें ध्यान नहीं रहता है, आप डायरेक्ट बताओ कैसे इसको सॉल्व करें। तो चलिएगा डायरेक्ट देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में, वाई क्यूब इज इक्वल टू 64 लिखा हुआ है, तो वाई में तो कोई इशू नहीं होगा आपको, ये तो प्लस का 4 ही देगा आपको, क्योंकि प्लस के 4 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके प्लस का 64 आएगा। अगर एक बार भी आपने गलती से माइनस लिख दिया ना तो फिर आपका ये माइनस का 64 आना चाहिए था, यानी कि ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। इसको ना मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत बार समझा लिया लेकिन आपके डाउट आ रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, अगर आप ना एफर्ट करके इसके ऊपर स्क्वायर डाल रहे हो, ध्यान से समझिएगा, एफर्ट करके इसके ऊपर रूट डाल रहे हो, यानी कि आपने मेहनत की इस स्क्वायर को यहाँ से हटाया और यहाँ पे लेके गए हो, मेहनत किया आपने, ध्यान से समझिएगा मेहनत की है, तो मेहनत का फल क्या मिलेगा आपको, ज़्यादा मिलेगा, मेहनत का फल ज़्यादा मिलेगा, यानी कि आपको एक ऐसा चीज़ मिलेगी जिससे आपको जो मेहनत की है ना आपने उसका बहुत अच्छे से आपको मज़ा आए, यानी कि आप इजीली समझ लो यार कि जितना आप ज़्यादा मेहनत करोगे ना उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे रिफंड मिलने वाला है, उतना ज़्यादा ही आपको उतना मीठा फल मिलने वाला है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 4 तो होगी ही लेकिन नेगेटिव 4 भी होगी, क्योंकि आप अगर एफर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो आपको रिफंड भी ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा रिफंड चाहिए ना तो ओनली पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा हमारा, हमको नेगेटिव वाला भी दो, तो इस तरीके से समझ सकते हो। ये कोई तरीका नहीं होता पढ़ाने का, लेकिन आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे तो मैंने ये तरीका आपको बता दिया है कि अगर आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, यानी कि स्क्वायर को हटा के रूट बना रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है तो उसका फल भी तो ज़्यादा मिलना चाहिए आपको, तो प्लस तो रहेगा ही हमेशा लेकिन उसके साथ आपको माइनस भी मिल जाएगा।
अगर पहले से रूट इधर लिखा हुआ है तो आप प्लस फोर एंड प्लस फोर इस तरीके से जा सकते हो, समझ गए आप। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये प्लस फोर है, ये प्लस माइनस फोर है, तो वाई जो होगा वो एक्स से बड़ा हो जाएगा एक बार तो, और एक बार ग्रेटर देन हो जाएगा, एक बार इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फिर से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है वो एक और डीआई है, और ये डीआई भी एग्ज़ाम में पूछी गई थी, हालांकि बिल्कुल टफ डीआई नहीं है, ये ईजी सा डीआई है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको दिए हुए हैं, मेल और फीमेल, ये जो आपका ऑरेंज कलर का लाइन है इसके ऊपर, और ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये आपका शो करता है टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। समझा देता हूँ मैं एक बार आपको फिर से, ये जो डाटा दिया गया आप आराम से देख लीजिए इसको। ये कंपनी में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें टोटल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मेल फीमेल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको मेल एम्प्लॉयज़ चाहिए तो आप कैसे करोगे, मेल एम्प्लॉयज़ के लिए आपको ये जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं इसमें से फीमेल एम्प्लॉयज़ को माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास में मेल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आ जाएंगे। सिंपल है, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। इफ 10% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ए एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम सेम ऑर्गेनाइजेशन आर सेलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट, 10% ए में फीमेल, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए ए के ऊपर जाएंगे, फीमेल चाहिए। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये जो 100 और 150 के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, ये टोटल पांच लाइनें होती हैं यहाँ पे। ग्राफ आपने रीड किया होगा ना, टोटल पांच लाइनें होती हैं यहाँ पे। तो पांच लाइन का मतलब कितना, देखिए 100 से 150, तो अगर 5 लाइन का मतलब कितना, यहाँ पे कितना है 50 है, 5 लाइन का मतलब कितना है 50 है, तो एक लाइन का मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 100 से कितने लाइन ऊपर है, अगर आप देख पा रहे हो इसको अच्छे से, तो एक और दो, ये दो लाइन ऊपर है, यानी कि फीमेल ए में कितनी होगी, टोटल 120 होगी, 120 टोटल फीमेल हो गई है किसमें, ए में। इसका 10% का मतलब 1/10 कितना, 12, तो 12 फीमेल हैं किसमें, ए में। ए कंपनी में कितनी फीमेल हैं, टोटल 12 फीमेल है, ये आपको पता चल गया। और सेम ऑर्गेनाइजेशन में 20% ऑफ द मेल, मेल आपको फाइंड करने हैं, देन उसके बाद में आपको उसका 20% भी निकालना है। तो मेल के लिए आपको पहले टोटल चाहिए, टोटल कितने, 300, यहाँ पे देख पा रहे हो आप ए में 300 टोटल हैं, जिसमें से 120 तो महिलाएं हैं, फीमेल है, तो टोटल बचे कितने, 180। अब इस 180 का 20% आपको निकालना है, 20% यानी कि 1/5, और 1/5 का मतलब 36, तो 36 मेल, समझ गए आप, 12 फीमेल प्लस 36 मेल, ये फीमेल है ये मेल है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 48 हो गया दोनों का मिला के। तो आपसे पूछा गया है कि सेलेक्ट हो गए वो एक प्रोजेक्ट के लिए, ये 48 ऐसे हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर मेल एंड फीमेल हु आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कितने नहीं हुए, टोटल कितने हैं 300, सेलेक्ट कितने हुए 48, कितने नहीं हुए होंगे 300 माइनस 48 कितना आ जाएगा 252 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था ये। और आप देख पा रहे हो दोनों जो आपको डीआई थे उसमें से ये वाला कितना इजी डीआई है, पिछला वाला थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, बट ये तो बिल्कुल ही आसान सा डीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन सी, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन सी। अब सी की बात कर रहा है, तो टोटल एम्प्लॉयज़ पहले सी के फाइंड करेंगे, देन फीमेल वहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में मेल एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन सी एंड डी टुगेदर, सी और डी में टोटल जो फीमेल है ना उनको भी आपको फाइंड करना होगा। तो इन दोनों का आपको फाइनली क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो चलिएगा पहले तो सी में हम लोग फाइंड कर लेते हैं टोटल मेल एम्प्लॉयज़। सो अगर सी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो डॉट लगा हुआ है ना, ये आपकी डार्क ब्लैक लाइन से एक स्टेप नीचे है, यानी कि ये जो अगर 350 है तो एक स्टेप नीचे वाला कितना होगा 340, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया था ना एक लाइन का मतलब 10 है, तो इससे नीचे वाला क्या हो जाएगा 340 हो जाएगा। तो सी में टोटल 340 है, फीमेल अगर आप देख रहे हो तो ये वाले जो डार्क लाइन है इससे एक स्टेप नीचे है, यानी कि 140 है, क्योंकि ये डार्क लाइन 150 को शो करती है, तो वो 140 हो जाएगी। तो फीमेल कितनी है 140, दोनों का डिफरेंस आपने निकाला 200, यानी कि 200 कौन हो गए, मेल हो गए किसमें, सी में 200 मेल है एंड 140 आपकी फीमेल है, ये आपका डाटा आ गया आपके पास में। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ, मेल जो है वो कितने हैं 200 है, फीमेल जो है वो कितनी है 140 है, किसमें, कंपनी सी में। और आपको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सी एंड डी टुगेदर, सी और डी में टोटल फीमेल चाहिए टुगेदर। तो सी में तो मेरे पास में आ गई है 140, डी में अगर मैं फाइंड करने जाऊंगा तो डायरेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो डॉट लगा हुआ है ये कितने स्टेप नीचे है, ये आप देख पा रहे हो तो एक एंड दो, दो स्टेप नीचे, यानी कि अगर ये 250 है
तो दो स्टेप नीचे कितना शो करेगा आपको, 230 शो करेगा। तो फीमेल डी में कितनी हो गई है, 230, ए में कितनी थी, 140, दोनों का आप सम करो कितना हो जाएगा, 370, ये 370 आ गया होगा। और मेल कितने थे, 200, तो इस मेल का इस फीमेल से रेशियो निकाल दीजिए बस, ये कितना हो जाएगा, 20:37, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही ईजी सा डीआई है ये, तो सिर्फ और सिर्फ आपको डाटा पिक करना है और आंसर करना है। तो आई होप सो कि ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर था ये मैंने आपको करवा दिया है। इसके मैं दो ही क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि बच्चे भी तीन क्वेश्चन बहुत ही ईजी से क्वेश्चन थे, आप लोग पहली बार पढ़ के जाओगे ना तो भी आप लोग क्वेश्चन को ईजिली बना लोगे। अब अगेन मैं ये चीज़ कहूँगा कि प्रैक्टिस रेगुलर रखिएगा, प्रैक्टिस को नहीं रोकना है। बैच ज्वाइन करना चाहते हो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, थोड़े दिन बाद में आपको जो फ्री क्लासेस है वो भी मिल जाएंगी, बट ज़्यादा बेनिफिट आपको बैच से हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे हम लोग बेसिक से चीज़ों को कवर कर रहे हैं, बेसिक से हम लोग लेवल को बढ़ाते हुए देन हाई लेवल तक जा रहे हैं। सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन ज़रूर देखिएगा, उसमें हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।